कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सेवन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सेकंड वन इज रॉ मटेरियल, थर्ड वन इज पावर एंड वाटर, फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर, देन नेक्स्ट वन इज मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, देन आफ्टर गवर्नमेंट पॉलिसी, उसमें आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो ये दोनों एग्जाम्पल है, उसे कहा जाता है कैपिटल। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अभी हम एक हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, प्रॉपर जगह पे एक हमें लैंड चाहिए। लैंड कैसे होनी चाहिए कि हमें वहां से इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल पाए। लैंड हमें किस तरह से चाहिए? तो लैंड अगर हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें उस टाइप की लैंड चाहिए जिस सपोज एग्रीकल्चर में क्या है कि फूड वगैरह प्रोडक्ट होती है, प्लांट ट्री प्लांटेशन वगैरह, और उन सभी में से वो सभी क्रॉप है, उन सभी के रिगार्डिंग आइटम है, तो वो इजीली हम कंपनी में ले जाएंगे। या वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जो एग्रीकल्चर गुड्स बनाती हो, तो वो वहां से इजीली, तो उसके लिए जो लैंड चाहिए ना, वो जो है वो लैंड अलग सा होता है, जो एकदम जो मिट्टी होती है ना वो फलद्रुप होती है, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर सके, ठीक है, किसान लोग वहां पे फार्मिंग कर सके, तो वो होती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अगर वही चीज हम केमिकल इंडस्ट्री अगर हमने स्टार्ट करनी है, तो केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो वो हम अपना जो लोकेशन है, हमारी जो सिटी है, सिटी से एकदम दूर हम लोग केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल जो है वो हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानकारक भी हो सकता है। कोई केमिकल अच्छे होते हैं तो कोई केमिकल हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ है, तो वो कोरोना क्या है, चाइना में प्रॉपर था, पर वो बहुत दूर था, पर पता नहीं कैसे फैल गया, ठीक है, तो एक वायरस कैसे फैल गया और पूरे कैसे वर्ल्ड में 1 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस ग्रस्त हो गए हैं। तो ये हुई केमिकल इंडस्ट्री की बात। उसके बाद आता है लैंड में दूसरी चीज ये है कि हमें लोकेशन एक प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमें नॉर्मल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो सारी इंडस्ट्री है, तो वो हम अपने सिटी एरिया के अंदर भी बना सकते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, तो वो सभी हम सिटी के अंदर भी बना सकते हैं। पर कोई ऐसी इंडस्ट्री है तो हमें सिटी एरिया से बहुत दूर बनानी पड़ती है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और हमें लोकेशन के लिए लैंड चाहिए। पर लैंड भी हमें किस तरह से चाहिए? हमें अगर 5 एकड़ जमीन चाहिए तो हमें सिटी एरिया, हमें वो कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी ना, कि अगर हम सिटी एरिया में हम अपनी लोकेशन देते हैं, हम अपना लैंड चूज करते हैं कि ये एरिया बेस्ट है, वहां पे हम अपनी लैंड चूज करते हैं, तो उसमें हमें उस लोकेशन में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर सेम चीज हम सिटी एरिया के बाहर कोई लोकेशन सिलेक्ट करें, तो उस एरिया में अगर हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो वो मैटर करता है। किसमें मैटर करता है? फर्स्ट पॉइंट दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सेकंड वन इज रॉ मटेरियल। अभी हमने लैंड ले ली, चलो हमने पूरी कंपनी बिल्ड कर ली, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किस टाइप की चाहिए? सपोज आपको टी बनानी है, तो टी बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। थोड़ी मिल्क में से टी बन जाती है? नो, टी बनाने के लिए हमें दूसरा क्या क्या चाहिए? टी बनाने के लिए हमें टी चाहिए, चाय पत्ती, ठीक है, उसके अलावा मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, टी का मसाला जो आता है वो चाहिए, कप एंड सॉसर चाहिए, स्पून चाहिए,
एक मशीनरी में, मशीनरी थ्रू प्रोसेस होके उसकी बॉटम में से मटेरियल बनता है और मटेरियल में से हमारे जैसे क्लॉथ है, टी शर्ट है, जैसे वुमेन्स है तो वुमेन्स वेयर अलग होते हैं, लेडीज वेयर अलग होते हैं, चिल्ड्रन वेयर अलग होते हैं, एडल्ट वेयर अलग होते हैं, तो ये सारे क्लॉथ इसमें से बनते हैं, कॉटन में से बनते हैं। तो कॉटन में से अगर हमें बनाना है तो ऑब्वियस चीज है कि हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए, रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, ठीक है। और मटेरियल बनाने के लिए उसको प्रिंटिंग करने के लिए फिर कलर वगैरह वो सब कुछ भी चाहिए, तो ये सब कुछ क्या हुआ, एक सिंपल सी मैगी भी बनानी हो तो आपको क्या मैगी बनाने के लिए क्या सिर्फ मैगी का पैकेट और थोड़ी बन गई, नहीं, उसके लिए हमें कढ़ाई चाहिए, स्पून चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर पानी डालना चाहिए, फिर उसके बाद मैगी डालो, मैगी का मसाला डालो, फिर उसके अंदर अगर हमें अपना वेजिटेबल ट्रेनिंग देने के बाद ही उसको एक्चुअल में आइडिया आएगा, वर्क करेगा, तभी तो आएगा।
के गुजरात में अहमदाबाद का मार्केट है, तो वहां पे हम कॉटन की कोई भी चीज देंगे तो वहां पे हम मार्केट की बात कर ले। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में बहुत सारी टाइप्स की होती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सच एज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सच एज लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन। सो ये सभी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है। अभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में भी अभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम ये मार्केट में ये प्रेस पे जाके हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। अभी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। कि हमारे इंडिया है, इंडिया में हम अपनी प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में जाके सेल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अभी हमारे इंडिया के ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हमने अदर कंट्री में डाला तो एक्सपोर्ट हो गया। अभी अदर कंट्री के प्रोडक्ट हम अपनी इंडिया में आके सेल करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। सो दिस ऑल आर दी कॉल्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस? जैसे टी है, फिर कॉटन है, वीट है, तो ये सभी मार्केट है इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे कि इंडिया की टी है, अदर कंट्री में इंडिया की कंपेयर अदर कंट्री से कंट्री में जाए तो टी का जो प्रोडक्शन है वो बाकी कंट्री की कंपेरिजन में इंडिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। कौन सी? टी मार्केट में। अभी नॉर्मल से नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है, सपोज हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट है अगर 2 किलोमीटर है, देन आफ्टर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस अगर हो तो हम उसके लिए क्या प्रेफर करेंगे? लैंड ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ बसेस, विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स, तो हम उसके लिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रेफर करेंगे। अगर वही सेम थिंग हम अपनी प्रोडक्ट को किसी और स्टेट में अगर डालना है, अगर हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हमें अपने प्रोडक्ट को भेजना है, आपको पता है कश्मीर टू कन्याकुमारी दैट इज द बिगेस्ट नेशनल हाईवे इन दी इंडिया, ठीक है। अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हमें अपने प्रोडक्ट को भेजना है तो हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करेंगे और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग यूज करेंगे। कोई ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वो सब कुछ लार्ज है स्केल इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा लगता है, तो उसके लिए हम लोग रेलवे भी हम लोग प्रीफर करते हैं। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, तो ये सब कुछ जो है उसके लिए हम लोग रेलवे प्रीफर करते हैं। उसके बाद अगर हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में से हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम अदर कंट्री सच एज दुबई है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना है, जापान है, तो अदर कोई भी कंट्री में हमें अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेन, क्योंकि कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कॉल हमें दुबई से कॉल मंगवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करेंगे। हम ईरान इराक है, ठीक है, तो वहां से अगर हमें अफगानिस्तान है, तो वहां से अगर हमें चाहिए कि चलो हमें बड़ा सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, तो वो जो मटेरियल अगर हमें मंगवाना है तो हम शिप थ्रू भी अपना मटेरियल मंगवा सकते हैं। तो ये क्या बात हुई? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ बसेस, विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स एंड ऑल। सो क्लियर अबाउट दिस ऑल थिंग्स, दैट इज मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देन आफ्टर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा होते हैं। हमें कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट हमें, चलो हमने 1 करोड़ का हमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, ईयर एंडिंग में हम मार्च का हिसाब करें तो चलो हमने देखा कि 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ, पर उसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है हमें 1 करोड़ में से हमें 30% तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स आता है, सभी को पता है इनकम टैक्स होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, तो और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं।
सो दिस ऑल आर द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक और चीज नजर की हम लोग बात करें, दैट इज एसईजेड एंड एसईजेड. इट मींस गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ऐड कर दिया है. क्या? एक इकोनॉमिक जोन डिजायरेबल कर दिया है कि अगर हमें जैसे गुजरात में कहीं भी जाओ तो एक जीआईडीसी होती है, तो वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी में आना चाहता है कि वहां पे सिर्फ हम लोग अपनी कंपनी ही एस्टैब्लिश कर सकते. इंडस्ट्री कोई भी स्टार्ट करनी है तो वो जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, उसमें ही हम लोग अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हमें अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ही एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी. अगर वही चीज हमें अपने रिटेल शॉप खोलनी है, ठीक है, रिटेल शॉप खोलना है, कोई दूसरा बिजनेस हमें ऐसे ही रिटेल शॉप खोलनी है, होलसेल मार्केट बनाना है, तो हम लोग वहां पे जाके हम अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते. वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कंपनी का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, अदरवाइज लार्ज स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ही हो सकता है. वहां पे जाके कोई शॉपकीपर ऐसे सोचे कि चलो हमें ग्रोथ की मार्केट बनाना है, वहां जाके हम अपनी रिटेल शॉप खोल देते, नो, तो ऑब्वियसली नहीं चलेगी. उसके बाद आता है कैपिटल. विदाउट कैपिटल वी कांट डू एनीथिंग. हम लोग ने सोच लिया कि चलो भाई ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, हमें वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज करनी है, हम इतने एम्प्लॉय आते हैं, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया. पर सब कुछ डिसाइड करने के बाद क्या आएगा? कैपिटल, इट मीन्स फाइनेंस, मनी. अगर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी है, हमें मीडियम स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में भी क्या होगा कि एटलीस्ट हमें 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अभी सोचो कि 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है तो एटलीस्ट वी आर हैविंग ओनली 5 लाख रुपीज ऑफ सेविंग्स. हमारी सेविंग्स के ओनली 5 लाख रुपीज ही हमारे पास है, तो बाकी के 5 लाख कहां से हम लोग लाएंगे? बाकी के 5 लाख लाने के लिए हमें सर्विस सेक्टर का यूज करना पड़ेगा. सर्विस सेक्टर में क्या आता है? जैसे कि बैंक होता है, तो वो आता है सर्विस सेक्टर, जो हमें बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है, सच एज लोन फैसिलिटी. ठीक है, तो बैंक हमें 5 लाख की लोन देती है. लोन के रिटर्न में वो लोग एटलीस्ट जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करें तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका डिजायरेबल इंटरेस्ट होता है, 2%, 5%, 9%, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें इंटरेस्ट भी उन लोगों को पे करना पड़ेगा. ठीक है, और ये सारी बात हुई कैपिटल की. इट मीन्स फाइनेंस, मनी. विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग. अगर हमें एम्प्लॉय रखने हैं, हमने सोच लिया कि हमारी कंपनी में हमें 1000 एम्प्लॉय रखने हैं, तो सो ये सारी बात हुई फाइनेंस की. क्या हुई? फाइनेंस की. विथ 7 फैक्टर्स टू बी लर्न इन दिस सेशन, दैट इज फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड